यहाँ इमामबाड़ा और भारतीय जनता पार्टी दोनों कार्यालय एक ही कैंपस में हैं, तो कैसे है, क्यों है और क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। सब लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं और काफी यूनाइट हैं, तो हम इसको दो रूप में लेते नहीं हैं। ये ऐसा है कि यहाँ हमारे जो मुहर्रम होता है, दाहा जिसे कहते हैं यहाँ के लोग, उसमें अगर आप देखेंगे तो 90% हिंदू लोग ही इसमें शरीक होते हैं। तो यहाँ जिसको आप क्वेश्चन करना चाहते हैं उस तरह की यहाँ कोई बात नहीं है। कभी आपस में कभी इसको लेके कभी कोई टकराहट वगैरह नहीं, कभी नहीं। तो क्या कहेंगे इसको, गंगा जमुनी? इसको आप गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल कह लीजिए, बस यही है। भाजपा एक दूसरे के विपरीत ध्रुव माने जाते हैं और यहाँ दोनों एक साथ हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको हम सिर्फ इस तरीके से देखते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो वह है सबका साथ सबका विकास, अगर देखा जाए तो इसकी एक जिंदा मिसाल जो है निजामाबाद है, जो आप उस नजरिए से देख सकते हैं कि एक तरफ इमाम बाड़ा है और एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जहाँ पे लोगों की जो है जनसुनवाई होती है, लोगों की समस्याएं दूर की जाती हैं। वहीं बगल में जो है इमाम बाड़ा है, जहाँ पे जो एक धार्मिक स्थल है, सबसे पुराना स्थल है ये, और इस जगह सबसे बड़ा ऐतिहासिक जुलूस जो है, तो बहुत पुराना जुलूस जो है यहाँ से निकलता है, जिसमें हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सारे लोग जो है एक साथ मनाते हैं। इसको लेकर कभी टकराहट वगैरह नहीं? कभी नहीं, कोई टकराहट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अवेयरनेस रही, लोगों ने बड़ी सराहा कि साहब ये चीज जो है एक जबरदस्त मिसाल बनकर के सामने आई। यहाँ जन सुनवाई कौन करता है भारतीय जनता पार्टी? मैं करता हूँ, मैं सैयद शिराज अब्बास रिजवी और सिराज आजमी क्षेत्रीय मंत्री हूँ, मैं करता हूँ, विनोद राय जी हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो करते हैं। इस तरीके से जो है पिछली दफा जो है वो आए थे हमारे माननीय मंत्री मोहसिन रजा साहब, वो भी जो है इस चीज को देखते हैं।